Hello student, I am Ranjit Singh. Now in this video, this is part 2 video, and in this video we solve from question number 2. Question number 1 is already solving part 1 video. Now the question number 2 is, on a 10 meter stretch of road, 15 flags are placed at regular intervals. How many flags will be required for a similar arrangement on a 1.5 किलोमीटर स्ट्रेच? तो इसको सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं इसका. पहले लेते हैं स्ट्रेच ऑफ रोड, यानी इसकी लंबाई. स्ट्रेच ऑफ ROAD रोड, ये है मीटर में. इसको हमने मान लिया एक्स. दूसरा इसमें नंबर ऑफ फ्लैग्स, नंबर ऑफ फ्लैग्स ये हो गया वाई. तो 10 मीटर स्ट्रेच में जो फ्लैग्स लग रहे हैं वो 15 लग रहे हैं. तो अब यह कह रहा है कि हाउ मेनी फ्लैग्स बी, यानी हाउ मेनी फ्लैग्स बी रिक्वायर्ड टू सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ 1.5 किलोमीटर. तो किलोमीटर में दिया है, तो हमने मान लिया एफ नंबर ऑफ फ्लैग्स जरूरत पड़ेगी कितने किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर है. इस किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा. तो 1520 यानी 1500 मीटर, ठीक है. अब तो लेट हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ फ्लैग बी ए, तो एक्स अपन वाई रेशियो जो होगा 10/15 का, तो यानी 10/15 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बराबर होगा इसके, यानी 1500/a के. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए इंटू 10 इक्वल टू 15 इंटू 1500, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 1500/10. तो 15 जाए 225 होता है और एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो गया मीटर, सॉरी फ्लैग्स, नंबर ऑफ फ्लैग्स हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. ये ए ट्रेन कवर्ड 50 होल 1/2 किलोमीटर इन 1.25 आवर्स. हाउ मेनी डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 3 आवर्स 45 मिनट्स, में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो कवर डिस्टेंस कवर और दूसरा है टाइम, ये चीज ले चलेंगे डिस्टेंस. तो लिख देते हैं कवर या कवर डिस्टेंस, किसमें है वो किलोमीटर में, किलोमीटर में है, और इसको हमने मान लिया है एक्स, और दूसरा है टाइम. टाइम को हमने मान लिया वाई. तो कितना डिस्टेंस, 50 होल 1/2. अब 50 होल 1/2 को जो है सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं. 50 होल 1/2 को 50 100 1/2 किलोमीटर है. अब इसको और डिस्टेंस लगाएंगे 25 जाए 10, जीरो लगाएंगे 25 जाए 10, इसको चेंज कर लिया. और ये जो है इतना किलोमीटर कितने टाइम में जा रहा है, 1.25 आवर में. तो 3 आवर्स 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो मान लीजिए वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा 3 आवर्स 45 मिनट्स. अब देखिए 3 आवर्स 45 मिनट्स को भी हमको चेंज करना पड़ेगा. हम यहाँ पर रफ करके देखते हैं, 3 आवर्स प्लस 45 मिनट. तो 3 आवर्स है या 45 मिनट्स है, इस मिनट्स को हम 60 से डिवाइड कर देंगे
तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, 15 3 45 15 4 60, 15 3 45 15 4 60, ठीक है। अब यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 होल 3/4 लिख सकते हैं, 4 3 12 13 14 15, यानी इसको लिख सकते हैं 15/4। इसको पॉइंट में चेंज कर देते हैं, अब इसको जो है पॉइंट में चेंज करेंगे तो 4 3 12 3 4 7 28, यानी 3 अच्छा ये तो बचा कितना, 3 बचा तो पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया तो 30 हो गया, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, इतना क्या हो गया, समय किसमें दिया है, आर, यह हो गया आर। तो यहाँ पर हम ये सीधे लिख दे रहे हैं 3.75 आवर्स, इसको चेंज कर दिया हमने, ये रफ हमने काम किया है समझाने के लिए। अब जो है ये बन गया, अब हम इसको जो है एक्स अपान वाई कांस्टेंट होगा किसके, 50.5 अपान 1.25, यानी बात करें तो ये जो है 50.5 अपान 1.25 कांस्टेंट बराबर होगा इसके 1/3.75। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा, a का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.25 इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 50.5 × 3.75। ठीक है, यानी a इक्वल टू 50.5 × 3.75 डिवाइडेड बाय 1.25। अब ये देखेंगे कि ये भी डेसिमल नंबर 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल नंबर 2 डिजिट है, और ये जो है इसका ठीक 3 गुना, या ये 1 का 3 टाइम ये भी है तो 25 का 75, या 1 का 3 गुना 3, या 25 का 3 गुना 75, यानी ये पूरे पूरे संख्या 1 जा और ये 3 जा से डिफिन कट गया। अब 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 0 आ गया तो 15 का जो है 15 ही हो जाएगा, और 3 5 जा 15, और चूंकि वो पॉइंट एक डिजिट के बाद हम लगा देंगे, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या इज इक्वल टू जो है 151.5, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 151 होल पावर 1/5 किलोमीटर, ऐसे भी किलोमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 38 ज्योमेट्री बॉक्सेस वेयर बॉट फॉर 3420 रुपीज, तो दो क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस एंड कॉस्ट, दो चीजें बनाते हैं ज्योमेट्री बॉक्सेस। ज्योमेट्री बॉक्सेस एक्स मान लिया, और दूसरा जो है बाट यानी कास्ट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं वाई। तो ये 38 ज्योमेट्री बॉक्स जो है खरीदते हैं 3420 रुपीज में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 18 बॉक्सेस, 18 बॉक्सेस का प्राइस क्या होगा। तो मान लिया ए, लेट लेट कॉस्ट ऑफ 18 बॉक्सेस बी ए रुपीज, तो कांस्टेंट एक्स अपन वाई इक्वल टू 38 अपन
3420, ये जो है आप देखेंगे कि 338 अपॉन 3020 जो कांस्टेंट है वो बराबर हम करते हैं इसके, तो 18 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इंटू 38 3420 इंटू 18, तो ए इक्वल टू 3420 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 38। अब ये है काटते हैं, 18 से कटेगा नहीं तो 2 से ही काटते हैं, 2 × 2, 2 × 9 = 18 इसको ना काट कर इसको काटना सही रहेगा, 2 × 9 = 18 इसको काटना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कटने वाला कर सकता है 19 से, तो या तो हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है इनका मल्टीप्लाई हमने जब कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया है 30780 डिवाइडेड बाई 19। अब जब इसको डिवाइड किए इसे 19 से तो यह कट गया है इक्वल टू 1620, यानी नम जो है कास्ट जो है 18 बॉक्सेस का जो वैल्यू आएगा वो 1620 रुपये है, ठीक है। इनका इनका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 19 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था, एक क्वेश्चन इसमें और है सेकेंड, सेकेंड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी बॉट विथ 630 रुपीज, 630 रुपीज में कितने बॉक्सेस खरीदा जाएगा। अब ध्यान देना है इसमें, 630 रुपीज यानी 630 रुपीज में कितने बॉक्सेस खरीदा जाएगा, तो मान लिया हमने बी 630 रुपीज में, ठीक है। सेम वही रहेगा, एक्स अपन वाई कांस्टेंट बराबर होगा 38 अपन 3420, ये 38 अपन एक्स अपन वाई इक्वल टू इतना, यानी ये जो है बराबर होगा आपका 38 अपन 3420, इसको बराबर करेंगे किसके, बी अपन 630 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी इंटू 3420 इक्वल टू 38 इंटू 630, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 38 इंटू 630 डिवाइडेड बाई 3420, जीरो से जीरो फिनिश हो गया। अब जो है काटते हैं, टू से काटते हैं, ये तो कट जाएगा टू से, दोनों 2 × 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 9 = 18, किससे कटने का चांस है, 19 से तो कट जाएगा 19, 9 = 171, 9 × 7 = 7 ज्योमेट्री बॉक्स खादा जाएगा 630 में बॉक्सेस, तो ये हमारा 4 का फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक कार कवर्ड, 5 नंबर में लगाना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 लगाना है। ए स्टैक ऑफ 1071 शीट्स ऑफ पेपर इज 6.3 सेंटीमीटर थिक, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ ए स्टैक
आप 15,000 सीड्स, तो सीड्स एंड थिकनेस दो देख चलते हैं। सीड्स एक्स मान ले रहे और उसका थिकनेस वाई मान लिया, तो 1071 सीट, 1071 सीट जो है किसकी थिकनेस कितनी है, 6.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ अ स्टैक ऑफ 15,000 सीट, यानी 15,000 अगर सीट है तो उसका थिकनेस क्या होगा, तो हमने मान लिया ए लेट थिकनेस ऑफ 15,000 सीट्स बी ए मान लिया, तो इसका रेशियो देखेंगे तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1071 डिवाइडेड बाई 6.3, यानी 1071 अपॉन 6.3 जो है इक्वल करेंगे अगर इसके 15,000 कांस्टेंट वैल्यू होता है ए से, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ए इंटू 1071 इक्वल टू 6.3 इंटू 15,000, तो ए इक्वल टू क्या जाएगा 6.3 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 1071। अब देखते हैं कौन किससे करता है, थ्री से ये करने के चांसेस है, थ्री से थ्री टू जा थ्री बन जा थ्री जा नाइन फिफ्टीन, हाँ ठीक है थ्री जा नाइन वन सेवन सेवनटीन हुआ, थ्री फाइव जा फिफ्टीन टू वन ट्वेंटी वन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन ठीक है, थ्री टू जा सिक्स पॉइंट थ्री वन जा थ्री, क्या कट अब किससे काटें, इससे कर सकता है थ्री फाइव सेवन है, थ्री से कट जाएगा, ये थ्री से ये भी कट जाएगा, थ्री वन जा थ्री फाइव है, थ्री वन जा थ्री टू सेवन ट्वेंटी सेवन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, ये पॉइंट इसमें दिया है, चलिए पॉइंट है तो उसको पहले हटा देना चाहिए था जीरो से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो थ्री थ्री से काटे थे ना, थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा ठीक थ्री थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, तो पॉइंट सेवन हम यहाँ पर लेते हैं ठीक है। अब जो है ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर पॉइंट सेवन इंटू 15,000 अपन 119 पॉइंट सेवन, ये पॉइंट सेवन है, एक जीरो इसमें से कम कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, तो हम आगे इसको ए इक्वल टू सेवन कर देते हैं इंटू 15,000 की जगह पर दो जीरो रहेगा, एक जीरो से एक इस पॉइंट हट के यहाँ पर आ गया अपन 119, इसे सेवन से कट जाएगा, सेवन बन जाए सेवन, सेवन बन जाए सेवन, थ्री और वन फोर 49 हो गया 17 बार में, अब 17 से इसको काटना है, ये जो है काटेंगे तो इसका जो आंसर जो है पॉइंट में आएगा, तो 1500 अपॉन 17 इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो मैंने कर लिया डिवाइड पहले ही थे, तो इसका जो है 88 पॉइंट नहीं है 0.24, दिस इज आंसर अब क्वेश्चन नंबर फाइव का, इसमें भी दो क्वेश्चन है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर वन था इसमें, अब आते हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, देखते हैं क्या कह रहा है, हाउ मेनी सीड्स विल बी देयर इन अ स्टैक 15 सेंटीमीटर थिक, अच्छा तो हाउ मेनी 15 सेंटीमीटर थिक, ये थिकनेस ये है, तो
तो 15 सेंटीमीटर अगर थिकनेस है तो नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे, तो मान लिया बी, तो मान लिया यहाँ पर लेट लेट, अब इसको लेट लेट थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर द नंबर ऑफ सीट बी बी, ठीक है, हमने बी मान लिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं सेम वही पैटर्न पर, एक्स अपन वाई कांस्टेंट होगा 1071 अपन 6.3, यह जो है 1071 अपन 63 इक्वल होगा बी अपान 15 के, ठीक है, ये कांस्टेंट जो बराबर करेंगे इसको, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी इंटू 63 इक्वल टू 15, तो बी इक्वल टू 1071 इंटू 15 63। अब इसको जो है सेकेंड है किसे काटा गया, 3 2 6 3 1 3, ये भी कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा, तो सबसे पहले बड़ा वाला काटना सही है, 3 3 9 17 हुआ, 3 5 15 2 1 21 3 7 21, अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 से 7 से भी कट जाएगा, 7 3 21 7 5 7 35 7 7, अरे फिर से कट जाएगा 3 से, ये 3 1 3 3 1 3 3 7 21 17, यानी 17 इंटू 15, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2550, ये आपका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक कवर्ड कवर्ड डिस्टेंस आप कितना टाइम हुआ है, 2 मिनट है। ए कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 850 मीटर इन 40 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट कवर इन 1 आवर्स। तो इसको जो है डिस्टेंस कवर, यानी हम बना लेते हैं डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया कवर, ये मीटर में है, इसको एक्स मान लिया, और दूसरा है टाइम, टाइम दिया है सेकेंड में, इसको मैंने वाई ले लिया। तो डिस्टेंस कवर यानी 850 मीटर इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में ये किया है। अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इन कवर इन 1 आवर्स, तो 1 आवर्स यानी 1 आवर्स को में 60 मिनट होता है और फिर 60 सेकेंड, 6 6 36 इतना सेकेंड, तो हमने मान लिया ए डिस्टेंस में, ठीक है। लेट डिस्टेंस बी
ए मीटर, मीटर प्रति सेकेंड है ना, सेकेंड में इसको बदल दिए हैं। तो अब एक्स अपन वाई इक्वल टू 850 अपन 40, यानी 850 जो है अपन 40 इक्वल होगा ये अपन 3600 से, ठीक है। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इंटू 40 इक्वल टू 850 इंटू 36, तो ए इक्वल टू 850 इंटू 3600 अपन 40। अब इसको जीरो से एक जीरो फिनिश हो गया, 4 1 4 9 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा, मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये 7 6 5 0 0 ये मीटर में आ गया आंसर। अब इसी को किलोमीटर में अगर बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 5 0 0 है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 0 से 2 0 फिनिश हो गया, यानी 76.5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।